आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर थाना जानसठ क्षेत्र के मोहल्ला जुम्मा निवासी सलीम पुत्र अमीर अहमद पहुंचा और एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि उसका पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला के साथ कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी प्रेम प्रसंग के चलते युवक से प्रेमिका ने 60,000 रुपए उधार मांगे थे। अब जब प्रार्थी ने अपने पैसे वापस मांगे तो उक्त महिला ब्लैकमेल कर अब प्रार्थी के साथ घर से भागकर शादी का दबाव बनाने लगी और प्रार्थी के मोबाइल पर गंदे गंदे मैसेज भेज रही है। 18 सितंबर को महिला व उसके परिजनों ने अपने हाथों में देसी तमंचा व लाठी डंडे लेकर पीड़ित प्रार्थी के घर में घुसकर आए और प्रार्थी के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। प्रार्थी के द्वारा शोर मचाने पर मोहल्ले के लोगों के द्वारा बीच बचाव कराने पर आरोपी युवक को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गई। पीड़ित प्रार्थी को अपनी जान का उक्त आरोपियों से खतरा बना हुआ है और वही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए चाहता हूं कि थाना जानसठ को आदेश दिया जाए कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? जानसठ। सलीम जी, SSP कार्यालय हो जी, क्या मामला है? सर, मेरे केस में कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा जो है एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके चलते में उसने मुझसे 60,000 रुपये भी लिए और उसमें जो है सर उस 60,000 रुपये मैंने जब वापस उससे मांगे तो उसने अपने घर वालों के साथ मिलके मेरे साथ मारपीट करी, जिसमें मैं 18 सितंबर की रात में भागते हुए जैसे मैं उनसे जान बचा के भागा तो उन्होंने मेरे पीछे से फायर भी किए। उसमें सर कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। मैं आपसे पहले भी आ चुका, आपसे पहले भी मैं SSP ऑफिस आके कार्रवाई की जांच, मतलब इस केस की जांच में और कार्रवाई के लिए तहरीर दे चुका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला का क्या नाम है और कहां की महिला? महिला जो रहने वाली है जानसठ की है, मेरे पड़ोस की है, नाम सबीना है। तो आपने थाने में तहरीर दी? थाने में भी तहरीर दी है, SSP ऑफिस के यहाँ भी, कई दूसरी बार आ रहा हूँ आज, यहाँ पे भी तहरीर दे चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो क्या चाहते हो आप? मैं सर इसमें कार्रवाई चाहता हूँ, मेरे केस में कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे पे हमला हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं है। करीब एक महीना हो गया मुझे अपने घर भी गए हुए, मुझे खुली धमकी दे रखी है सर कि जब भी अपने घर आएगा तो घर अपने 60,000 रुपये उनको लिखता में दे दे, कैसे दे रहे? नहीं, लिखता में तो है नहीं, मेरा उनके घर में आना जाना था तो मैंने ऐसे ही दे रखे उनको 60,000 रुपये। कब से प्रेम प्रसंग आपका चल रहा है? करीब 2.5-3 साल हो गए सर। उनके घर में अवैध असला है जिसके हुए उस 18 सितंबर की रात में अपने साथ में मारपीट करते हुए, मारपीट हुई जिस रात, वो अपने साथ में लेके आए।